हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं बेंगलोर घूमने के लिए जाने वाला हूं। तो मैं मुंबई में रहता हूं, तो मैंने फ़्लाइट अपनी बुक कर ली है मुंबई टू बेंगलोर के लिए। तो इस वक्त मैं फ़्लाइट में हूं, मुझे एक्चुअली विंडो सीट मिला नहीं, जल्दी जल्दी में मैंने ये बुक कर लिया। अभी फ़्लाइट स्टार्ट हो चुकी है, कुछ ही देर में हम पहुँचने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लोग टाइम पास करते हुए, मैं भी टाइम पास कर रहा हूँ वीडियो बनाते। तो फाइनली मैं बेंगलोर पहुँच चुका हूँ। यहाँ शाम हो चुकी है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बेंगलोर एयरपोर्ट से मैं बाहर निकल चुका हूँ और अपने कैब का वेट कर रहा हूँ। फाइनली मेरी कैब आ चुकी है और मैं अब होटल रूम में जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, मतलब हाथ मुंह धोने के लिए। तो यहाँ पे मुझे एक होटल मिला, ये काफ़ी खूबसूरत होटल है, बजटरी होटल है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा। बाहर से तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देखता हूँ अंदर का व्यू कैसा है। अंदर से देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, इधर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें दी गई हुई है। ये पानी की दो आधे आधे लीटर की बॉटल दी हुई है पूरे दिन के लिए, ये तो मैं कुछ ही देर में पी के ख़त्म कर दूंगा। वापस से अपन लोग बाहर पानी खरीद लेंगे। और ये कुछ चाय कॉफ़ी ये सब दिए गए हैं जिसको पीने का पी सकते हैं। यहाँ पे मैंने बैग अपना ऑलरेडी रख दिया था। यहाँ पे एक टीवी, डबल बेड मैंने लिया क्योंकि सिंगल बेड में मुझे सोने अच्छा नहीं लगता है। और साथ में इधर एसी है और पंखा भी अवेलेबल है। रूम तो काफ़ी खूबसूरत था। तो अब हम निकल चुके हैं बेंगलोर पैलेस विजिट करने के लिए। तो फाइनली हम बेंगलोर पैलेस पहुंच चुके हैं। मेरी जैसी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है ये। ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही है। ये रहा आपका बेंगलोर पैलेस, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये बेंगलोर पैलेस। तो अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं था। अंदर के टिकट है 230 रुपीज़ इंडियन के लिए और फॉरनर के लिए है 430 रुपीज़, ऐसी कुछ है 450 के आसपास। तो अंदर भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं, मतलब हाथी है, हाथी और वही राजा का सब सामान ही रखा हुआ है। बाकी बाहर से तो वेल मेंटेन और काफ़ी खूबसूरत है ये पैलेस। अगर आप एक बार बेंगलोर आते हो तो ज़रूर ये पैलेस विजिट कीजिएगा। फोटो शूट के लिए भी काफ़ी अच्छा। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और अब हम सोच रहे हैं चले जाए टीपू सुल्तान महल। तो यहाँ से काफ़ी दूर है तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो फाइनली हम टीपू सुल्तान महल पहुँच चुके हैं। यहाँ का एंट्री फीस कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 20 रुपया था और 20 रुपये के हिसाब से परफेक्ट था ये। ये तो खंडर जैसा लग रहा है मुझे, कुछ मेंटेन है नहीं यहाँ पे। बस जिसको हिस्टोरिकल जगह पसंद है तो वो एक बार यहाँ पे आ सकते हैं। मैं सोचा यहाँ पे आया हूँ तो टाइम पास कर लूँ। तो अच्छी जगह थी लेकिन कुछ अंदर कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं, सिर्फ एक तलवार रखी हुई और पुराने कुछ कॉइन्स, जिसको अगर आना है तो आ सकता है। वैसा तो कुछ खास मुझे लगा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है लेकिन ठीक है, अच्छा है। अब इतने दूर से ट्रैवल करके आया तो मैं सोचा एक बार यहाँ पे भी विजिट कर ही लूँ। यहाँ पे डू नॉट टच लिखा, तो ये सीढ़ी से आप ऊपर जा सकते हैं और ये सीढ़ी से आप नीचे भी आ सकते हैं अगर आपका दिल हो, नहीं तो अलग सीढ़ी भी है। तो ऐसे ही मैं टाइम पास कर रहा था तो मेरे फ्रेंड को बोला कि भाई तू थोड़े देर के लिए मेरी वीडियो बना ले, मैं एक बार ऊपर जाके हाथ हिला देता हूँ, हाँ हाथ हिला देता हूँ और फिर नीचे आ जाऊँगा। तो अगर आपका मन है तो आप भी ऐसा जाके कर सकते हैं और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट रिटर्न आ सकते हैं। तो काफ़ी देर टाइम पास करने के बाद मैं वापस अभी जा रहा हूँ। इधर मुझे पता चला कि एक बोटेनिकल गार्डन भी है तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे भी जाके थोड़ा फ़ोटो शूट कर लूँ। बेंगलोर की खास ये बात है, बेंगलोर ट्रैफिक के लिए बहुत मशहूर है। तो फाइनली मैं बोटेनिकल गार्डन पहुंच चुका हूं। यहां पे डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स है, यहां की कोई एंट्री फीस नहीं है। जिसको भी यहां पे जिसको पसंद है डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स तो वो यहां पे आके यहां से बाय कर सकता है। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा यहां पे आके, ऐसा मैं बोल रहा हूं, बट ग्रीनरी है, अच्छा है, जिसको पसंद है वो आ सकता है। ज़्यादातर मुझे तो लगता है लड़कियों के लिए ज़्यादा सही रहेगा, उन लोग को ये सब ज़्यादा पसंद रहता है। तो थोड़े देर टाइम पास करने के बाद मैं बोर हो गया और फिर अब मैं जा रहा हूँ वापस मुंबई। एक्चुअली मैंने ये पूरा ट्रिप 3 दिन में कंप्लीट किया था लेकिन मैं ऐसा वीडियो में पूरा बताया नहीं कि मैं होटल में स्टे किया, टाइम पास किया। तो आप ऐसा घाई में मत जाओ, अगर आप जा रहे हो तो फिर पूरा टाइम लो, एक दिन एक ही जगह विजिट करो, एक दिन में नहीं जाके और रिटर्न आ जाना। तो फाइनली मेरी फ़्लाइट आ चुकी है तो अभी मैं मुंबई के लिए रवाना होने वाला हूँ। तो आते वक्त तो मुझे विंडो सीट नहीं मिल पाई थी लेकिन मैंने जाते वक्त अभी विंडो सीट बुक कर लिया हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की।